हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल चटोरी प्लेट। और आज हम बनाने जा रहे हैं कांजी बड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक है। ये अधिकतर जो है दिवाली और होली के मौके पर बनाया जाता है। राजस्थान में तो ये अधिकतर लोग बना के पीते हैं गर्मियों में, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बनाने में बहुत ही ईजी है, तो आइए देखते हैं इसकी तैयारी कैसे बनाया जाता है। यहाँ में हम एक बोल में लेंगे राई, इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च बिल्कुल आपके टेस्ट के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना तीखा चाहते हैं। और हल्दी, हल्दी भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालिए, लेकिन इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये हमने डाला है सादा नमक। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। काला नमक भी ये बहुत थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें सादा नमक ऐड किया है। काला नमक भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये हींग, इन सबको हम मिला लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 4 चम्मच सरसों का तेल। एंड सरसों का तेल पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन जो भी ट्रेडिशनल, जहाँ भी ये ट्रेडिशनल तरीके से बनता है, वहाँ पर सरसों का तेल ऐड किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सरसों का तेल नहीं चाहिए, तो आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिए। इसको अच्छे से मिलाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ ताकि ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये देखिए, ये हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे एक मैंने पतीले में ले लिया है 2 लीटर पानी, और ये जो हमने पेस्ट तैयार करा है, ये सारा हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बनाने में बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, ये आप बहुत आसानी से बना सकती हैं। बस इसकी जो फॉर्मेटेशन है, इसके लिए 2 दिन लगते हैं। ये कभी कभी अगर गर्मी नहीं है तो 2 से भी ज़्यादा दिन लग सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाला सारा मिल जाए। तो ये देखिए, ये मसाला हमारा सारा मिल गया है। अब हम इसे ढककर गर्म जगह पर 2 दिन के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हम आज तैयारी करते हैं इसके वड़ों की। वड़ों के लिए मैंने मूंग की दाल का यूज़ किया है। ये बेसिकली मूंग की दाल से ही बनते हैं इसके वड़े। तो ये मेजरिंग कप है, इसका मैंने नाप के लिया है। तो 1 कप दाल मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे भिगोया है। और मैं नाखून से काट के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इस दाल को छान लेंगे, क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आप दही बड़े भी बना रहे हो, तब भी इस तरह से ही किया करें, क्योंकि अगर आप पानी डालते हैं तो जो वड़े हैं उसमें गुठली पड़ने का डर रहता है, और वो आराम से फिटते नहीं हैं। अब हम इसको एक जार में पलट लेंगे सब दाल को। ये देखिए, 2 हरी मिर्च भी ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें डाल दिए, नहीं तो बारीक करके आप पेस्ट में भी डाल सकते हैं ये हरी मिर्च और अदरक। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। ये कितना थिक है, हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं करा है। और हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। कई लोग फ्रेंड्स काली गाजर से भी बनाते हैं कांजी पानी, बस वो इसमें हल्दी नहीं डालते हैं, और वड़ों की जगह वो काली गाजर का यूज़ करते हैं। बाकी सारी जितनी भी इन्ग्रीडियंट्स हैं, बाकी वो सब सेम होता है। तो ये देखिए, पानी ना डालने की वजह से बहुत जल्दी फिट गई है, और आप कलर भी देख सकते हैं इसका, वाइट है। आइए हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए, ये पानी के ऊपर तैर गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी दाल बहुत अच्छे से फिटी गई है, हमें इसे और फिटने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल के और इसको फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ इसके छोटे छोटे वड़े बना रही हूँ। वड़े आपको कितने चाहिए, ये आप अपने हिसाब से बना लीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि छोटे वड़े सर्व करने में इजी होते हैं और खाने में भी इजी होते हैं, इसलिए मैं वड़ों का साइज़ छोटा ही रख रही हूँ।
यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम है, क्योंकि अगर हम हाई पे करेंगे तो ये बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी, और जो कि बाद में गुठली बन जाती हैं। तो हम इस तरह से इसको गोल्डन होने तक पका लेंगे। इस तरह इसको उल्टा पलटी करते रहेंगे इसमें, और इसको गोल्डन होने तक पका लेंगे। तो ये लीजिए, बड़े पक्के तैयार हो गए हैं। यहाँ हमने सारे वड़े बना लिए हैं, तो मैं आपको चेक कराती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, ये देखिए, ये बहुत स्पॉन्जी है। चाहे तो आप चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेंगे ऐसे खाने में भी, क्योंकि खाने में बहुत कुरकुरे होते हैं। सर्व करने से पहले हम इसको एक पानी में डाल लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल पानी में ही रह जाएगा, जैसे हम दही बड़ों में करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख देंगे। अगर आप इसको जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो आप गर्म पानी में कर लीजिएगा। मैंने रूम टेम्परेचर पे ही इसको पानी को रखा था, और ये बड़े तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम निचोड़ के बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये कांजी को हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, और इसमें हम ऐड कर देंगे सारे वड़े। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा कांजी वड़ा। आप इसको बनाइए और पीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। तो आपको ये कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। राधे राधे।